मेरा नाम है बाबूराव गणपतराव आपटे क्या। वेल, ये डायलॉग, ये कैरेक्टर और ये अंदाज सालों सालों तक सारे फैंस को याद रहेगा। हेरा फेरी फिल्म और परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की एक्टिंग फैंस भुलाए नहीं भूलेंगे। वही हेरा फेरी एक और बार लौट रही है बड़े पर्दे पर। हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 के बाद अब हेरा फेरी 3 आ रही है। पर कमाल की बात यह है कि इसमें सुनील शेट्टी और परेश रावल का साथ देने के लिए अक्षय कुमार नहीं होंगे, बल्कि इस बार होंगे जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स ने पहले अक्षय कुमार को ही अप्रोच किया था हेरा फेरी 3 के लिए, पर अक्षय ने फिल्म करने के लिए 50 करोड़ रुपए की डिमांड की। और इतना बड़ा अमाउंट सुनने के बाद प्रोड्यूसर्स ने अक्षय को लेने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए उनके रिप्लेसमेंट में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि हेरा फेरी 3 अपने पहले दोनों पार्ट्स की तरह ही सुपरहिट और सक्सेसफुल होगी। पहला पार्ट जिसे प्रियदर्शन ने बनाया था और दूसरे पार्ट के डायरेक्टर थे नीरज वोरा। इस बार हेरा फेरी 3 में क्या गोलमाल होने वाला है ये तो आने वाली फिल्म बता देगी। लेकिन अक्षय कुमार का हेरा फेरी 3 को लेकर 50 करोड़ रुपए मांगना, ये बात अभी गले से जरा उतर नहीं पा रही है। लगता है कि इसके पीछे कुछ हेरा फेरी है।